नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ताबिश हुसैन। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने जीएसटी बिल पर सहमति बनाने की कोशिशें तेज कर दी। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें जीएसटी बिल पर चर्चा की जाएगी। सरकार मानसून सत्र में जीएसटी बिल पास कराना चाहती है, जो पहले ही लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी ओर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी शाम 6 बजे सभी दलों की एक बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 20 बैठक होंगी। वहीं कांग्रेस ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 20 जुलाई को केंद्र सरकार की नाकामी के खिलाफ संसद का घेराव करेगी। हर सेशन के पहले ऑल पार्टी लीडर्स की मीटिंग होती है, लेकिन वो सिर्फ औपचारिकता होकर रह गई है। उससे कुछ निकल पाएगा अभी कहना मुश्किल है। वैसे जीएसटी का जहाँ तक मामला है, मैं समझता हूँ कि अगर सरकार अगर सब लोगों को विश्वास में लेकर इसको इस सत्र में निकालना चाहेगी तो शायद उसको कामयाबी मिल सकती है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द मीटिंग, बिकॉज़ द पार्टीज डू हैव देयर प्रायोरिटीज। देयर आर सो मेनी इश्यूज टू बी रेज्ड इन द मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द अलार्मिंग सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर, द इकॉनमी विच इज इन शैम्बल्स, द ग्रोइंग प्राइस राइज, द ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, the question of FDI in various sectors, including the defense. और सब बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। असीम, हम देख रहे हैं पिछले कुछ सेशन से सरकार की कोशिश यही है कि जीएसटी बिल पर आम सहमति बनाई जाए। अब भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, कितनी उम्मीद है इस बार सहमति बनने की, क्योंकि कांग्रेस का रुख इस बार भी तल्ख ही दिख रहा है। देखिए, कस्टमरी होता है कि जो भी अगर पार्लियामेंट सेशन आपका शुरू हो रहा है उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाना, तो वो बैठक जो है बुलाई गई है। कोशिश उस बैठक में ये की जाती है कि कंसेंसस बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भी बिल्स अटके हुए हैं उनको पास कराया जाए। तो खासतौर पर एक महत्वपूर्ण बिल है जीएसटी, जो की काफी लंबे समय से अटका हुआ है और सरकार चाह रही है कि उसको पास कराना, लेकिन उसको कांग्रेस का जो है उसको सपोर्ट जो है नहीं मिल रहा है। तो सारी अड़चने उसको लेकर के दूर जो है वो हो चुकी है, लेकिन अब फाइनल ये है कि नंबर्स उनको राज्यसभा में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं जीएसटी बिल को पास कराने में, तो उसको लेकर के कांग्रेस से सहमति बनाने की जो है खासतौर पर एक कोशिश जो है सरकार की रहेगी। तो आज बैठक बुलाई है, बैठक में डिस्कशन होगा। कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर भी अभी सहमति है कांग्रेस की, लेकिन खासतौर पर ये जीएसटी को लेकर के थोड़ी बहुत सहमति में बन दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि कल जब सेशन शुरू होगा तो उसके बाद उन बिल्स के ऊपर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। आज बातचीत की जाएगी सब पार्टियों से कि आप हमें सपोर्ट दीजिए और आप इन जो की बिल्स है इनको मत रोकिए, ताकि हम इनको आगे ले जाकर के इनको आगे जो है बढ़ा सके। जी बिल्कुल, सरकार की कोशिश है कि रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया जाए, जिसके लिए जीएसटी बिल बहुत अहम है, लेकिन कांग्रेस अपने रुख पर अड़ी हुई दिख रही है। असीम, क्या कांग्रेस ही एक पार्टी है जिसको अब विरोध है, बाकी सारी पार्टियों से आम सहमति बन चुकी है? ये काफी सारे समीकरण जो है वो बदल चुके हैं। पहले राज्यसभा में सरकार के पास नंबर नहीं थे, लेकिन अभी जो सीटें खाली हुई हैं उसके बाद सरकार के पास नंबर भी है, ठीक ठाक नंबर है उनके पास जीएसटी को अप्रूव करने के लिए, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि एक सहमति जो है सर्वदलीय लेकर के किया जाए, इसको उस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो वो बातचीत जो है कांग्रेस से जा रही है। कांग्रेस से भी कुछ अपने पहले उन्होंने रुकावटें लगाई थी, उन्होंने कुछ कहा था कि हमें जीएसटी बिल में कुछ संशोधन जो है वो चाहिए, एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो है वो होना चाहिए। तो वो सारे सब जो शर्तें थी उसके ऊपर भी दोनों पक्षों के बीच में सहमति जो है बनती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या इस सेशन के अंदर ये बिल पास होता है या नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस के सारे शर्तें जो है ऑलमोस्ट मान ली गई हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल आज की बैठक तय करेगी कि कल ये पास होगा या नहीं होगा।